कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल, कहा बस मेंटेनेंस पर 3,413 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी सरकार, इतने में आ जाती नई बसें। पाकिस्तान बना धर्म परिवर्तन का अड्डा, 60 हिंदुओं का जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को सितंबर तक की दी डेडलाइन, कहा वरना लेंगे बड़ा फैसला। राजस्थान में बिजली का बढ़ रहा प्रकोप, बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। गोरखपुर सांसद रवि किशन 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगे बिल, जनसंख्या नियंत्रण पर पेश होगा प्राइवेट बिल। सरकार का दावा, जून में जनता को मिली महंगाई से राहत, मई के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई दर 6.2% तक गिरी। नेपाल सरकार का केपी ओली को झटका, 28 घंटे में शेर बहादुर देउवा को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त करने के आदेश। मेहुल चौकसी को मिली डोमिनिका हाईकोर्ट से जमानत, मेडिकल कंडीशन की वजह से मिली राहत। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीत के बाद इटली में जश्न का माहौल, 2006 के बाद इटली ने जीता बड़ा टूर्नामेंट। कृति सैनन की फिल्म मिमी का ट्रेलर आया सामने, 30 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म।